वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम वर्किंग कैपिटल असेसमेंट कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी एलिजिबिलिटी कवर कर चुके हैं और फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी के अंदर हमने काफ़ी वीडियोस बना ली हैं। और अब जो वीडियोस हम शेप दे रहे हैं उनको एमपीपीएफ नॉर्म्स के तरफ दिखा रहे हैं हम वीडियोस को। तो जो एमपीपीएफ नॉर्म्स भी हैं अपने पास, उसके अंदर मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि दो कमिटीज है, नायक कमेटी एंड टंडन कमेटी। टंडन कमेटी में तीन मेथड्स प्रेजेंट किए हैं और जो थर्ड मेथड है वो यूज नहीं होता, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो मेथड वन एंड मेथड टू है उसके बारे में हम डिटेल में लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया कि ये दोनों क्या चीज होती है, मेथड वन एंड मेथड टू। तो अब मैंने आपको बताया था कि एक नायक कमेटी है जिन्होंने टर्नओवर मेथड के बारे में बताया हुआ है। तो मैंने बताया था कि कौन सा भी मेथड आप यूज करें तो उसके अंदर जो एलिजिबिलिटी आएगी वो आपकी सब्जेक्टिव होगी ड्रॉइंग पावर। जो ड्रॉइंग पावर अगर आपकी कम है तो आप लिमिट ड्रॉइंग पावर से ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपकी एलिजिबिलिटी से ज्यादा निकल रही है ड्रॉइंग पावर तो आप जरूर जितनी लिमिट आपकी है एलिजिबिलिटी उतनी आप यूज कर पाएंगे। तो ड्रॉइंग पावर के बारे में मैं अगेन नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। तो जो फर्स्ट एंड सेकेंड मेथड मैं कवर कर चुका हूँ, तो अब जो ये वीडियो है इस वीडियो के अंदर मैं अभी टर्न ओवर मेथड का कंप्लीशन करना चाहूंगा। टर्न ओवर मेथड ये किसने सजेस्ट किया था? नायक कमेटी ने सजेस्ट किया था। नायक कमेटी ने ये मेथड सजेस्ट किया था टर्नओवर वाला। तो हम इसको समझेंगे इस वीडियो के थ्रू कि टर्नओवर मेथड क्या चीज है। तो भाई टर्नओवर मेथड सिंपलेस्ट ऑफ मेथड है। रीजन बीइंग कि आपके ये बिजनेस को या आपके जो बिजनेस मॉडल है, यानी कि जो आपका बिजनेस करने का तरीका है, उसको बहुत सिंपलीफाई तरीके से सोचता है, प्रोजेक्ट करता है। ये सोचता है कि आपका बिजनेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो यही इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज भी है। क्योंकि ये सोचता है कि आपका बिजनेस बहुत सिंपल है, यही इस मेथड की बहुत बड़ी डिसएडवांटेज भी बन जाती है। तो ये आपके बिजनेस को सिंपल तरीके से सोचता है, उसका क्या मीनिंग है? उसका ये मीनिंग है, आपको मैंने पिछली लास्ट वीडियोस में मैंने आपको ऑपरेटिंग साइकिल डिस्कस किया था, आपसे ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किया था। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है कि आपका कैश टू कैश जनरेट करने में कितना टाइम लगता है। तो जितना टाइम आपको लगता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कैश जब आपने फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया और उसको ट्रांजिट होते होते कन्वर्ट होते होते आपको जब वो सेल होके वापस कैश मिला, इस चीज में आपको 90 डेज लगे। तो अगर साल को हम एवरेज 360 डेज का मान ले और ये 90 डेज अगर आपके इसमें लग गए तो आपके टोटल फोर ऑपरेटिंग साइकिल्स हो गए बिजनेस के अंदर। समझ गए आप इस बात को? सिमिलरली अगर आपके यहाँ पे 60 डेज लगते हैं तो फिर आपके 6 ऑपरेटिंग साइकिल हो गए बिजनेस के अंदर, यानी कि 6 बार आपका बिजनेस में रोटेशन होगी और 6 बार में आपकी रिकवरी कंप्लीट होगी जाके। तो ये इसका मीनिंग था। तो अब टर्नओवर मेथड क्या बोलता है? जो टर्नओवर मेथड है, देखिए ये टर्नओवर मेथड ये प्रज्यूम करता है, इट प्रज्यूम्स that your business has four operating cycles only. भाई ये जो turnover method है ये आपको already assume करके चलता है कि आपका जो operating cycle है, जो ये operating cycle है ये 90 days का है। तो आपको खुद समझ आ रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ी डिसएडवांटेज इस मेथड की है, बहुत बड़ी कमी है। ये कैसे पॉसिबल है कि हमारा बिजनेस में साइकिल 90 डेज का हो? ये तो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है चीज, बिजनेस टू बिजनेस। अगर आपका बिजनेस कोई पेरिशेबल आइटम का है तो आपका साइकिल कुछ और हिसाब से होगा। अगर आपका बिजनेस किसी और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का बिजनेस है तो आपका साइकिल किसी और हिसाब से होगा। ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। तो खैर इस मेथड की ये डिसएडवांटेज भी है। तो ये मेथड क्या बोलता है? ये बोलता है कि आपके बिजनेस में चार ऑपरेटिंग साइकिल हैं। तो मतलब अगर आप सौ रुपए का माल सेल कर रहे हो
तो चार ऑपरेटिंग साइकिल हैं, तो 25 25 25 25 रुपए के, 25 25 रुपए के चार चार साइकिल्स हैं आपके बिजनेस में, कि ये जो 100 रुपए की सेल आपके पूरे साल में हुई है, ये 25 25 25 करके 4 बार में हुई होगी, ये इस तरह से अज्यूम कर रहे हैं मेथड, राइट? तो कह रहे हैं कि आपको जो वो, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया कि जो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो एक साइकिल के लिए होती है, वन साइकिल के लिए रिक्वायरमेंट होती है। ये मेथड टंडन, ये चीज टंडन कमेटी के लिए भी एप्लीकेबल है। जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो एक साइकिल के लिए होती है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम एक साइकिल उठा लें तो आपको इस साइकिल के लिए रिक्वायरमेंट है, इस साइकिल के लिए रिक्वायरमेंट है एक बार वर्किंग कैपिटल की। तो कहते हैं वो कितनी रिक्वायरमेंट है आपको, 25% रिक्वायरमेंट है, राइट? उन्होंने कहा कि अगर 100 रुपीज की सेल है तो मैं अगर अज्यूम करूं कि ये 25 25 25 के पार्ट में हो रही है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, 25% ऑफ सेल्स, कितना हो गया, 25 रुपए। तो आगे ये बोलते हैं कि 25 रुपए में से, 25 रुपए में से जो 20 रुपए हैं वो तो बैंक देगा, जो 5 रुपए हैं वो प्रमोटर देगा, समझे आप? क्या बोलते हैं वो, कि जो 20 रुपए हैं वो कौन देगा, वो देगा बैंक, और जो 5 रुपए हैं वो कौन देगा, प्रमोटर देगा। तो यानी कि अगर मैं इन चीजों, दोनों दोनों चीजों को देखूं ध्यान से, तो जो 20% ऑफ टर्नओवर है, जो 20% ऑफ टर्नओवर है, दैट इज इक्वल टू बैंक फाइनेंस, दैट इज बैंक फाइनेंस, यही मीनिंग हो गया। तो यही आपका टर्नओवर मेथड है। टर्नओवर मेथड अज्यूम करता है कि 5 रुपए आप खुद के डालेंगे और 20% बैंक देगा। तो इसी वजह से जब भी हम टर्नओवर मेथड यूज करते हैं तो हम सिंपल बोलते हैं कि भाई 20% ऑफ टर्नओवर, 20% ऑफ टर्नओवर इज योर लोन एलिजिबिलिटी, 20% ऑफ टर्नओवर इज योर लोन एलिजिबिलिटी। क्लियर आपको ये पॉइंट? तो ये है टर्नओवर मेथड का मीनिंग। तो अब कई बैंक, देखिए नाम नहीं, कई बैंक जैसे 20% के टर्नओवर के मेथड को भी ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, और 20% से थोड़ा सा ज्यादा, 24%, 30%, 25% तक भी चले जाते हैं, कई तो उससे भी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इतने तक भी डेविएशन लेके, मतलब डेविएशन मतलब डेविएट कर जाते हैं इस फॉर्मूला से, डिविएट करके अपनी फंडिंग कर देते हैं। वो उनके अलग अलग अपने अपने समझने के तरीके हैं इन चीजों को। कई बैंक ये सोचते हैं कि हमारे पास अगर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत अच्छी है, प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लो अगर 100 रुपये है, अगर हम उसके ऊपर 50 रुपये का ही लोन दे रहे हैं, तो सिर्फ प्रॉपर्टी वैल्यू का 50% ही फंड कर रहे हैं, तो हमारे पास तो सिक्योरिटी काफी अच्छी है, सिक्योरिटी अच्छी है, तो क्यों ना हम फंडिंग थोड़ी सी ज्यादा दे दें, फंडिंग ज्यादा लेके, फंडिंग ज्यादा देना मतलब थोड़ा रिस्क इधर से ज्यादा ले लें। तो मतलब कि जो अगर आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी एलिजिबिलिटी में, प्रॉपर्टी एलिजिबिलिटी में गुड कंफर्ट लिया हुआ है, गुड कंफर्ट लिया हुआ है, गुड कंफर्ट मीन्स रिस्क कवर किया हुआ है अपना काफी अच्छे से, तो बैंक कई बार सोच रहा था कि क्यों ना इधर थोड़ा रिस्क ज्यादा ले लिया जाए, इधर से हम सिक्योर्ड हैं, इधर से रिस्क हमने पूरा कवर कर लिया, इधर से हमने कोई डिविएशन नहीं ली, कोई भी हमने कमी नहीं छोड़ी, तो क्यों ना अगर चलो इस तरफ से सिक्योर है तो कोई बात नहीं, थोड़ा इस तरफ से रिस्क ज्यादा ले लेते हैं, थोड़ा सा नॉर्म्स को, तो नॉम से थोड़ा ज्यादा दे देते हैं। तो इस तरह से भी बैंक कई बार अपने एंड पे यहाँ पे सोच जाता है। तो ये बेसिकली आपका मेथड जो है टर्नओवर मेथड कवर हो जाता है आपका इस चीज से। तो नेक्स्ट जो हमने ध्यान में रखना है कि जो कमिंग वीडियोस के अंदर, वो यही अपना ध्यान में रखना है कि अब आपका टर्नओवर मेथड हो गया, टर्नओवर मेथड हो गया। मैंने आपको बताया था कि ये अलग अलग जगह यूज हो सकते हैं अपना लोन एक्सपोजर के हिसाब से। मेथड वन ऑफ टंडन कमेटी, मेथड टू ऑफ टंडन कमेटी, जो इनके हिसाब से जिस जिस जोन सा भी फॉर्मूला आपने यूज किया है, जो एलिजिबिलिटी निकल के आई है, एलिजिबिलिटी निकल के आई है, दैट इज सब्जेक्ट टू ड्राइंग पावर, सब्जेक्ट टू डीपी, ये एलिजिबिलिटी आपकी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी है, बाकी ये सब्जेक्ट टू होगी आपकी ड्राइंग पावर के। अगर ड्राइंग पावर कम है तो आप उतना यूज कर सकते हैं। तो अब हमारे पास कुल में निकल के क्या शेप निकल के आई है कि भाई एक तो फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी है, फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी है, एक प्रॉपर्टी वाली एलिजिबिलिटी है, प्रॉपर्टी वाली एलिजिबिलिटी है,
देखिए, अब फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी मैं जो बता रहा हूँ, ये जैसे मैंने मेथड्स ऑफ एमपीवी डिस्कस करे हैं, अब आगे चल के मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर आपको समझ में आएगा कि इन मेथड्स के अलावा भी और तरीके हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए जो हम यूज करते हैं एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन के लिए। अब जो आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी है वो तो ये है, ऊपर डिस एलिजिबिलिटी विच इज सब्जेक्ट टू ड्रॉइंग पावर, प्रॉपर्टी एलिजिबिलिटी बेसिकली आपकी लोन टू वैल्यू रेशियो एलटीवी जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो विच एवर इज लेस आपकी फाइनल लोन अमाउंट है, वो आपकी फाइनल लोन अमाउंट है, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट वीडियोस में हम ड्रॉइंग पावर वाला कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं, ड्रॉइंग पावर वाला, तो आप साथ में बने रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ड्रॉइंग पावर वाला। मैं आपको सारे फंडेज के क्लियर कर दूंगा, इंक्लूडिंग स्टॉक ऑडिट कैसे किया जाता है, स्टॉक ऑडिट कैसे किया जाता है वो भी क्लियर करूंगा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल डिस्कस करूंगा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल डिस्कस करूंगा एंड देयर इंपैक्ट ऑन डीपी, देयर इंपैक्ट ऑन डीपी ये भी हम डिस्कस करेंगे साथ में। इसका डिटेल्ड फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, डिटेल्ड फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, इसमें क्या इंक्लूजन है, क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या एक्सक्लूड होता है, उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इतनी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे कि आपने इतनी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कभी भी नहीं करी होगी आई एम श्योर इसके बारे में। तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए कमेंट्स करके, और प्लीज साथ में बने रहिए, वीडियोस को एंड तक जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच।